بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين। किताब रियाज़ुस सालिहीन में हम जिस बाब का मुताला कर रहे हैं उसका उन्वान है यतीमों बेटियों और तमाम ज़ुआफ़ा मसाकीन और ख़स्ता हाल लोगों के साथ लुत्फ़ो करम करना, उनके साथ हुस्न सुलूक करना, उनके साथ शफ़क़त का मामला करना और उनके सामने तवाज़ो इख्तियार करना। आज जो पहली रिवायत है उसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शर्रुत तआमी तआमुल वलीमा, फरमाया कि खानों में बहुत बुरा खाना वलीमे का खाना है। युमनउहा मन यअतीहा, जो लोग ख़ुद इस पर आते हैं, इस खाने पर आते हैं, उनको इससे रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। वह युदा इलैहा मन यबाहा, और जो आने से इनकार करते हैं, हिचकिचाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको दावत दी जाती है। लेकिन फिर फरमाया कि वमन लम युजीब दावता फ़कद असल्लाह व रसूला, जिसने दावत को कबूल न किया उसने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और दूसरी रिवायत जो सहीहैन में है उसमें फरमाया कि बिस तआमु तआमुल वलीमा युदा इलैहल अग्निया व युतरकुल फुकरा। ये रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल के तौर पर भी आती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी इसकी निस्बत दी गई है कि बेस ताम तामुल वलीमा, बहुत ही बुरा खाना है वलीमे का खाना। युदा इलैहल अग्निया, इसमें बुलाया जाता है अग्निया को, मालदारों को। व युतरकुल फुकरा, और फ़कीर और मोहताज और तंग दस्त लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता। तो चूँकि बाब आया है ज़ुआफ़ा मसाकीन फ़ुकरा के साथ हुस्न सुलूक का, तो इस निस्बत से इमाम नवी अलैह रहमा इन रिवायतों को इस बाब में लेकर आए। यहाँ ख़ास तौर पे वलीमे का तस्करा है, वलीमे का खाना। वलीमे का खाना किसे कहते हैं? आम तौर पे तो मारूफ़ है कि जो शादी का खाना होता है जिसको वलीमतुल उर्फ़ कहते हैं, शादी का खाना, उसके लिए उर्फ़ में हमारे यहाँ भी और अरबों में भी बहुत से मकामात पर वलीमे का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो इससे मुराद वलीमतुल उर्स होता है, वो खाना के जो शादी के मौके पर सर्व किया जाता है। वैसे अरबी ज़बान में उमूम है, वलीमा या अउलमा से मुश्तक है ये, और इसका बुनियादी मतलब होता है बैंक्वेट या फीस्ट, कोई भी खाना जो किसी ख़ास मौके पर एहतमाम किया जाए उसको वलीमा कहा जाता है। और जब जिसको हम वलीमा कहते हैं उसके लिए जब इसको मुतय्यन करना हो तो कहा जाता है कि वलीमतुल उर्स के शादी का खाना। इसी तरह और बहुत से वलीमे अरबों के यहाँ, उनके मुख्तलिफ़ उनवानात थे। वलीमतुल नकिया, कोई शख्स सफ़र से वापस लौटा है तो उसके अहतमाम में जो खाना किया जाता था उसको जो है नकिया कहा जाता था। मर्ग के मौके पर, गम के मौके पर जो कहा गया है कि अहबाब या पड़ोस के लोग खाने का अहतमाम करें उस घर के लिए जिसमें मैयत हो, उसको वलीमतु जो है वजीमा कहा जाता है, अलवजीमा। इसी तरीके से वो खाना के जो बच्चे की विलादत के मौके पर किया जाता है उसको कहा जाता है वलीमतुल अकीका, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं अकीके के मौके पर आपने कोई बैंक्वेट किया है, कोई दावत की। तो एक तो मतलब ये लिया गया है कि वलीमा से मुराद यहाँ हर तरह का खाना है जो आदमी अहतमाम करके खाना पकवाता है जिसमें लोग जमा होते हैं, क्योंकि वलीमा का एक मतलब क्या होता है? जमा होना। तो वो खाना कि जिस पे लोगों को जमा किया जाता है, बुलाया जाता है, उसको वलीमा कहते हैं। लेकिन बहुत से मकामात पर वलीमा जब बग़ैर किसी तायीन के आता है, बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के आता है, मुतलक आता है, तो उससे मुराद वलीमतुल उर्स लिया जाता है।
यानी शादी का खाना, शादी के मौके पर जो खाना किया जाता है, और उसको को भी इस वजह से वलीमा कहा जाता है कि इसमें इज्तिमा होता है ना, ज़ौजैन का इज्तिमा होता है, मियाँ बीवी का मिलाप होता है, तो इस मौके पर इसको वलीमा कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ चाहे वलीमा आम मफहूम में है उमूमी खाने के मानों में, या वो वलीमा जिसको हम इस्तिलाही मानों में वलीमा कहा जाता है, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि ये खाना बहुत ही बुरा खाना होता है। और उसका सबब क्या है? उसका सबब यही है कि जो लोग इस पर आते हैं, जो गरीब हैं, फ़ुकरा हैं, तंगदस्त हैं, मोहताज हैं, वो देखते हैं कि कहीं खाना पक रहा है, जो है वो देगें चढ़ी हुई हैं जो है, और वो पहुंचते हैं कि भाई हमारी कोई ज़ियाफ़त की जाएगी, हमें बुलाया जाएगा, हमें एंटरटेन किया जाएगा, तो उनको रोक दिया जाता है, उनको पीछे कर दिया जाता है। और वो लोग के जो मालदार हैं, खाते पीते हैं, जो आना नहीं चाहते अपनी मसरूफियात की वजह से या अपनी कुछ और मसाइल की वजह से, उनको एहतमाम करके बुलाया जाता है। तबरानी की रिवायत में अल्फाज आते हैं कि बेसत तामुल वलीमा, बहुत ही बुरा खाना है वलीमे का खाना, युदा इलैह शबान व युमनउ अनहुल जियान, बहुत ही बुरा खाना है कि इससे रोक दिया जाता है उन लोगों को जो भूखे हैं, भूखे लोगों को रोक दिया जाता है, और जो पेट भरे होते हैं, सैर होते हैं, उनको एहतमाम करके बुलाया जाता है। तो आम तौर पर जिस तरह अगली रिवायत में है कि बुरा खाना इस वजह से इसको कहा गया है कि युदा इलैहल अग्निया, कि उसमें मालदार लोगों को बुलाया जाता है और फुकरा को छोड़ दिया जाता है, तंगदस्त लोगों को धुतकार दिया जाता है। तो इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये अच्छा खाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो बुराई पाई जाती है उसका सबब यही है कि इसमें मालदार लोगों ही को एंटरटेन किया जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, और जो गरीब तंगदस्त लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें, कम से कम वही लोग जो आप देखते हैं कि वलीमे की दावत होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके साथ ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर उनको भी नहीं पूछा जाता। वो दो दो घंटे जो है वो गाड़ियों में बैठे रहते हैं, और जो मालिक हैं वो जाते हैं और खा पी के जो है वापस आ जाते हैं। तो कम अज़ कम इसी का एहतमाम कर लिया जाए कि वो जो मुलाज़मीन आते हैं या कोई जो है ड्राइवर जो आते हैं उनको साथ खाने में शामिल कर लिया जाए, या इसके अंदर जो शर है उससे बचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि कम अज़ कम कोई भी जो ऐसी फेस्टिविटी है, कोई भी ऐसा बैंक्वेट है, कोई भी ऐसा फीस्ट है जो खुशी के मौके पे आदमी अरेंज करता है, तो चाहे अलग से एहतमाम कर ले कि एक ठीक है एक खाना है जिसमें जो है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, बिज़नेस के दोस्त हैं उनको बुलाया जाए, और एक खाना गरीब गुरबा के लिए अलग से एहतमाम उसका कर लिया जाए। तो इस रिवायत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया इसकी बुराई को इसी वजह से बयान किया गया है कि वो लोग के जो मालदार हैं, वो लोग के जो भरे पेट के हैं, जो आना नहीं चाहते। आपको मालूम है हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जब शादी का सीज़न होता है तो लोग होते हैं, उनको दो दो तीन तीन जगहों से दावतें होती, और अक्सर मकामात पर वो एक जगह जाते हैं, बस उठ बैठ के मुलाकात करके वापस आ जाते हैं, खाते भी कोई नहीं। लेकिन वो लोग के जिनको खाने की ज़रूरत है, जिनको भूख है, जिनको एहतियाज है, उनको ऐसे मकामात पर नहीं बुलाया जाता। लेकिन इस सब के बावजूद कि ये खाना को अच्छा नहीं होता, कि चूँकि इसमें उमरा को बुलाया जाता है और जो भूखे फुकरा तंगदस्त लोग हैं उनको रोक दिया जाता है, इसके बावजूद आपने फरमाया वमल्लम युजीब दावत फ़कद असल्लाह व रसूला, जिसने दावत को कबूल न किया बग़ैर किसी उज़र के, शरी उज़र के, तो उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हकूक़ हैं, जो कई रिवायतों में बयान हुए हैं कि छः हकूक़ हैं, कुछ में पाँच हकूक़ बयान हुए हैं, उनमें से एक हक क्या है? इजाबतुद दावा, कि मुसलमान की पुकार पर लब्बैक कहना, जब भी वो दावत दे उसकी दावत कबूल करना। या एक रिवायत में आता है कि जो छः हकूक़ हैं उसमें क्या है कि इज़ा दा का फ़अजीब हो, जब वो तुम्हें दावत दे, खाने पर बुलाए या घर आने की दावत दे, तो उसकी दावत कबूल करो। अब जाहिर बात है इसमें ये बात वाज़े है ना कि उस दावत में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी का मामला है। अगर कोई दावतें ऐसी हैं कि जिसमें इख्तलात है, जिसमें ऐसे मामलात हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो वहाँ को जाना शायद अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी। तो ये बात इसमें तय है कि एक ऐसी दावत कि जिसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, कोई शरी तौर पर कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है, और आदमी का कोई उज़र भी नहीं है जैनवन, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बावजूद कि ये खाना अपनी नौइयत में कोई अच्छा खाना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान का हक ये है कि जब वो तुम्हें दावत पर बुलाए तो ज़रूर जाओ।
जो ज़्यादा मारूफ़ रिवायत है इस हवाले से, जो आम तौर पे निकाह या शादी वलीमे के कार्ड पे भी लिखी जाती है कि इज़ा दुआ अहदुकुम इलल वलीमति फलयातिहा, कि जब तुम में से किसी को दावत दी जाए वलीमे की तरफ तो तुम्हें लाजमन जाना चाहिए, चाहिए कि आदमी उसकी तरफ जाए और वहाँ पर जाए। लेकिन वही बात है कि उसमें कोई कबाहत ना हो, उसमें कोई ख़राबी ना हो। आमतौर पर जो दावतें होती हैं या वलीमा होता है, लोगों ने उसको इसराफ का, दिखावे का, फ़ख्र का ज़रिया भी बना लिया। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक जो है बिदअत लोगों के यहाँ ये थी कि फ़ख्र के इजहार के लिए दो कबीले या दो सरदार या दो मालदार लोग दावतें करते थे, और एक ने दावत की है, दूसरे ने उससे बड़ी दावत की है। तो सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत में अल्फाज आते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन तामिल मुतबारियन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो लोगों का खाना खाने से मना किया है जो एक दूसरे के पर फ़ख्र के लिए खाने खिलाते। अरबों के यहाँ भी ये मामला था, आज भी ऐसा हो सकता है कि दो ग्रुप हैं या कोई दो ख़ानदान हैं या दो ऐसे लोग हैं जो मुकाबलेबाजी के लिए कि इन्होंने इतनी डिशें खिलाई हैं, उससे ज़्यादा डिशें खिलाएंगे, तो ये चीज़ भी बुरी चीज़ है, ये भी खाना बुरा खाना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ये एक बुरा काम हो रहा है। ये वैसे तो खाना खिलाना बहुत बड़ी फजीलत का काम है दीन में, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर इसको फ़ख्र व मुबाहात का ज़रिया बना लिया गया, अगर इसको मुकाबलेबाजी का ज़रिया बना लिया गया है, तो अल्लाह के नबी ने मना किया है कि ऐसी दावत में इंसान जाए जो मुकाबलेबाजी में और फ़ख्र व मुबाहात के इजहार के लिए की जाती। तो इस रिवायत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ही बुरा खाना है वलीमे का खाना, कि जिसमें उन लोगों को जो आना नहीं चाहते उनको एहतमाम करके बुलाया जाता है, और जो आने के शायक हैं, जो मोहताज हैं, गरीब हैं, वो आना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि जो दावत कबूल नहीं करेगा उसने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अगली रवायत है वान अनस रज़ी अल्लाह ताला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना वहुवा कहातैन वज़म्मा असाबिआहु। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आल जारियतैन, जिसने दो बच्चियों की परवरिश की, उनकी देखभाल की, हत्ता तब लुगा, यहाँ तक कि वो दोनों बालिग हो गईं, जा यौमल क़ियामा, तो वो शख्स आएगा क़्यामत के दिन अना व हुआ कहातैन, तो कहा कि वो शख्स जिसने दो बच्चियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गईं, तो कहा कि वो शख्स और मैं आऊँगा क़्यामत के दिन कहातैन, और आपने अपनी दोनों उंगलियाँ मिला के बताईं। कहा कि जिस तरीके से ये दो उंगलियों में क़ुर्ब है, तकर्रुब है, इसी तरीके से वो शख्स जो दो बच्चियों की परवरिश करेगा, मैं और वो क़्यामत के दिन इतने करीब होंगे, उसका इतना ऊंचा मर्तबा होगा, इतना आला मकाम होगा। ख़ास तौर पे यहाँ बच्चियों का तस्करा है, कुरान मजीद में जा बजा इस बात का बयान है कि ये वो लोग हैं कि रहमान की तरफ एक ऐसी चीज़ को मंसूब करते हैं, रहमान के लिए कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, और इनका अपना हाल ये है कि जब उन में से किसी को बशारत दी जाती है किसी बेटी की, तो उनका चेहरा उस पर स्याही थुप जाती है और वो गुस्से के घूंट पीते हैं, और वो ये सोचते हैं कि भाई क्या अब इस जिल्लत के साथ वो ज़िंदा रहें, इसको बाकी रखें या उसको मट्टी में दबा दें। तो बच्ची का पैदा होना उनके यहाँ एक आर का सबक था, और चूँकि कबायली माशरा था इस लिहाज से भी उनके यहाँ इस तरह माल की कसरत पर वो फ़ख्र करते थे, औलाद की कसरत पर भी वो फ़ख्र करते थे, तकासुन फिल अमवाल वल औलाद। लेकिन औलाद कौन सी? नरीना औलाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है कबीला है, उसमें जितने बाजू होंगे, जितने जो है हेल्पिंग हैंड होंगे, जितने लड़ने वाले बाजू होंगे, उतना उस कबीले की शान बढ़ती थी, उसका मर्तबा ऊँचा होता था। तो बेटियों के बारे में उनका तसव्वुर यही था कि ज़ाहिरी बात है कि ये बेटियाँ तो एक बार हैं, एक बोझ हैं, और ना लड़ फिर सकती हैं। जो कानवीर में एक जगह कहा ना कि अफमई यूनशा फिल हिलयती वहुआ फिल खिसाम गैर मुबीन, कि इनका हाल तो ये है कि ये जेवरों में, नाजो नाम में पली होती हैं, और झगड़े के मौके पे, आर्गुमेंट के मौके पे ये आर्टिकुलेट नहीं होती, ये बहुत खुल के बात नहीं कर सकती। बच्चियों की जो विलादत है उसको बार समझा जाता था और बहुत उसको बुरा समझा जाता था। तो ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो बेटियों की परवरिश करता है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएँ, तो कहा कि मैं और वो क़्यामत के दिन ऐसे आएँगे जैसे ये दो उंगलियाँ हैं। कुछ रिवायतों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान लहू सलासु बनात, कि जिसकी यहाँ तीन बेटियाँ हैं,
और फिर फरमाया कि युवी हिन्ना व यकफी हिन्ना व यरहम हुन्ना, और फिर वो उनको अपने यहाँ उसकी परवरिश करे, उनकी तमाम ज़रूरतों की किफ़ायत करे, उनके साथ रहमत और शफ़क़त का मामला करे, फ़कत वजबत लहुल जन्ना, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाए। बहुत सी रिवायतों में इसी तरह की बशारत आपने दो बेटियों तीन बेटियों के लिए दी, कुछ में आपने दो बहनों तीन बहनों के लिए दी, और ख़ास तौर पर एक और मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे अफजल सदका की तरफ रहनुमाई ना करूँ, ना ये बताऊँ कि सबसे अफजल सदका कौन सा है। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फरमाया कि इब्नतुका मर्दूदतन इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरक। बहुत सी रिवायतों में है ना कि बेटी है या बहन है, तुमने उसकी परवरिश की यहाँ तक कि उसको ब्याह दिया, साहिबा जब उसको ब्याह दिया है तो अब उसके नान नफके की तमाम ज़रूरतें जो हैं उसका कफ़ील उसका शौहर है। लेकिन कहा कि सबसे अफजल सदका ये भी है कि कोई शख्स है उसकी बेटी है उसकी बहन है और उसने उसको परवरिश किया उसको ब्याह दिया और फिर मर्दूदतन इलैक वो तुम्हारी तरफ लौटा दी जाए, किसी भी सबब से बेटी या बहन जो है उसको तलाक हो जाए या उसका शौहर फौत हो जाए और वो तुम्हारे पास वापस पलट आए, और कहा कि उसका और तुम्हारे अलावा कसब करने वाला कमा कर खिलाने वाला कोई ना हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सबसे अफजल सदका है, ये सबसे अफजल इन्फाक है जो तुम अपनी ऐसी बेटी या बहन पर करोगे जो तुम्हारे पास लौटा दी गई, वापस आ गई तलाक की सूरत में या जो है वो बेवगी की सूरत में। तो इस रिवायत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहतमाम से ये बात फरमाई है कि जिसके यहाँ दो बच्चियाँ हों और वो उसकी परवरिश करे यहाँ तक के वो बालिग हो जाए तो क़्यामत के दिन मैं और वो इंतहाई कुर्ब की हालत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।